हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल परवेज होम प्लान। और आज आप सब देख रहे हैं आज का हमारा ये बेहतरीन सा घर का नक्शा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 3 बेडरूम के साथ बनाया गया जो कि गांव के हिसाब से बहुत ही बेस्ट होने वाला है। और हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्हीं के रिक्वेस्ट पर इस घर का मॉडल तैयार किया गया है। इस घर की साइज़ की बात कर ले तो इसकी जो लंबाई है वो 41 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 25 फीट 10 इंच है। और फ्रेंड्स, इस घर के अंदर मैंने 3 3 बेडरूम, 1 लिविंग रूम, 1 किचन, 1 लेट, 1 बाथ और बरामदे के साथ डिज़ाइन किया हुआ है। और फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस घर के मॉडल के बारे में और इसके रूम की साइज़ के डिटेल के बारे में। अगर आपको भी घर बनवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल परवेज होम प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसमें से टीन सेट रूफ को रिमूव करते हैं और रूम के साइज़ की डिटेल को समझते हैं। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये मैंने टीन सेट रूफ को रिमूव कर लिया। और हम कहीं से भी आएंगे फ्रेंड्स तो इसी स्टेप से चढ़ के बरामदे में जाएंगे। और बरामदे की साइज़ की बात करें तो इसकी लंबाई 5 फुट 6 इंच है और इसकी चौड़ाई 14 फिट 5 इंच है। ओके फ्रेंड्स, और सामने से कुछ इस प्रकार से ओपन रहेगा और साइड में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब चलते हैं घर के अंदर और ये हमारा मेन डोर है। इसी डोर से एंटर के हम पैसेज में आएंगे और यहाँ आपको एक लंबा सा पैसेज देखने को मिलेगा। जिसकी साइज़ की बात करें तो इसकी लंबाई 34 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 फीट है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं रूम की तरफ। ये हमारा मास्टर बेडरूम है जिसका डोर यहाँ से है और इसी डोर से एंटर के रूम में जाएंगे। और इस रूम की साइज़ की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 17 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 फीट है। और इसकी वेंटिलेशन के लिए 3 3 विंडो दिया गया है, एक फ्रंट में और 2 विंडो साइड में दिया गया है। और फ्रेंड्स, इस घर के अंदर में कुछ इस प्रकार से सोफ़ा वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, सामने वाले पे वॉल पे टीवी दे सकते हैं। और इसी में से आपको एक ड्रेसिंग रूम का डोर देखने को मिलेगा। इस डोर से एंटर ड्रेसिंग रूम में आएंगे, इसकी लंबाई 6 फीट रहेगी और चौड़ाई जो है वो 10 फीट रहेगी। और इधर आप कपड़ा वगैरह रखने के लिए अलमीरा रख सकते हैं और सामने यहाँ पे सिंगार बॉक्स ऐड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं रूम की तरफ और यहाँ आपको दूसरा रूम देखने को मिलेगा जिसका डोर यहाँ पैसे से है। और इस रूम की साइज़ की बात करें तो इसकी जो लंबाई रहेगी वो 11 फीट रहेगी और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 10 फीट रहेगी। और इसकी भी वेंटिलेशन के लिए आपको 2 विंडो देखने को मिलेगा, एक साइड में और 1 विंडो छोटा सा आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाए पैसेज में। अब चलते हैं हम बाथरूम की तरफ। ये हमारा बाथरूम है जिसका डोर यहाँ से है। इसी डोर से एंटर के बाथरूम में जाएंगे। इसकी साइज़ की बात करें तो इसकी लंबाई 5 फीट है और इसकी जो चौड़ाई वो 6 फीट है। और इसकी वेंटिलेशन के लिए आपको एक रोशनदान देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, सामने यहाँ फ्रंट में ही आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे वाश बेसिन वगैरह दिया है जहाँ पे आप हाथ वगैरह धो सकते हैं। अब चलते हैं टॉयलेट की तरफ। फ्रेंड्स, इस साइड दूसरे साइड पर आपको टॉयलेट देखने को मिलेगा जिसका डोर यहाँ पैसेज से ही है। और इसकी साइज़ की बात करें तो इसकी जो लंबाई रहेगी 5 फीट रहेगी और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 6 फीट रहेगी। और इसकी वेंटिलेशन के लिए एक रोशनदान साइड में देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाइए। हमारा डाइनिंग रूम है जिसका डोर यहाँ से है। और इस रूम की साइज़ की बात करें तो इसकी लंबाई जो रहेगी 10 फीट रहेगी और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो भी 10 फीट रहेगी। और इसकी वेंटिलेशन के लिए 1 विंडो देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, ये किचन है और किचन का जो डोर है आर्च स्टाइल में आपको मिलेगा। और इसकी साइज़ की बात करें तो इसकी लंबाई 8 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। और इसकी वेंटिलेशन के लिए आपको 2 विंडो मिलेगा, एक साइड में और पीछे की तरफ। और इसमें आपको एल शेप में स्लैब मिलेगा जिसमें खाना वगैरह बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो ये डोर को बंद करके आप किचन का डोर पैसे से छोड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में। हमारा नेक्स्ट रूम है जिसका डोर यहाँ से है। और इस रूम की साइज़ की बात करें तो इसकी लंबाई 10 फीट रहेगी और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 10 फीट रहेगी। ओके फ्रेंड्स, और इसकी वेंटिलेशन के लिए आपको एक साइड में विंडो देखने को मिलेगा और दूसरा विंडो फ्रंट में देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसमें टीन सेट रूफ को ऐड करते हैं और देखते हैं हमारा घर कैसा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने टीन सेट रूफ को ऐड कर लिया और देख सकते हैं हमारा घर कितना प्यारा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का स्मॉल हाउस प्लान। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।